कृष्ण भक्तों, जय श्रील प्रभुपाद। तो मृदंग की इस सीरीज़ में आज पांचवा लेसन है, जिसमें हम लोग फास्ट बीट सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सच मानिए बहुत ही सरल है। इसमें केवल 6 बोल हैं, 6 बोल्स। धिन ती तक गो धेना, धिन ती तक गो धेना। और ये बीट बहुत ही स्लो से शुरू करिएगा, इसको प्रैक्टिस करना, और ये बहुत फास्ट तक जाती है। आप मैक्सिमम जितना इसको ले जा सको उतना फास्ट जाती है। तो इसके बोल्स हैं धिन ती तक गो धेना। तो देखते हैं कि पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है धिन ती तक। तो इस कंपोजिशन में धिन है धिन 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 गे, जिसको हम लोग गे बोलते हैं, वो इसमें धिन है। ठीक है, तो धिन और ती, ती क्या बताया था, ती 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 ती। ठीक है, तो धिन ती और तक तक, इधर से क्लोज अर्थात की और इधर से ता, तो ये हो गया। दोनों जब साथ में मिलाएंगे तो हो जाएगा तक तक। तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, धिन ती तक, 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 धिन ती तक। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, फास्ट में तो बहुत सुंदर लगता है। तो दूसरा पार्ट इसका है गो धेना, सिंपल गो धेना। तो गो क्या है, गो अगेन सिंगल, बयान साइड से गे को गो है, गो बोलेंगे इसमें। गो धे धे धे, देख लीजिए क्या है, इधर से गे और इधर से ती, जब दोनों को साथ में बजाएंगे तो ये होगा धे। तो गो धे ना, ठीक है, ना तो आपको पता ही है, ना ता इसी को बोलते हैं, ना भी बोलते हैं और ता भी बोलते हैं। तो इस कंपोजिशन में इसको ओपन साउंड को ना बोलेंगे। तो गो धे, गो धे ना, गो धे ना, गो धे ना, गो धे ना। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिला देना है। पहले दोनों की अलग अलग स्लो प्रैक्टिस करनी है, जैसे धिन ती तक, 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 धिन ती तक। और दूसरा पार्ट गो धेना, गो धेना, गो धेना, गो धेना। बस सिंपल, अब इन दोनों को जोड़ देना है आपस में, तो बीट हो जाएगी धिन ती तक गो धेना, धिन ती तक गो धेना, धिन ती तक गो। याद रखिएगा, प्रैक्टिस आपको स्लो ही करनी है शुरुआत में, उसके बाद ये ग्रेजुअली अपना जो मधुरता है वो आएगी और बहुत फास्ट तक जाएगी। जैसे धिन ती तक गो धिन, 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 धिन। कृष्णा 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 हरे हरे।
ये थी हमारी आज की फास्ट बीट। और अब आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ही स्लो करनी है, प्रैक्टिस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, स्लो से शुरुआत करिएगा। और ऐसा नहीं है कि स्लो पे ही टिके रहिएगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा, धीरे धीरे बढ़ाइएगा, बस शुरुआत में ही नहीं। शुरुआत में अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस स्लो से शुरू करिए, फिर करिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा और उसके बारे में क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। मधुरता इसमें समय लगता है आने में, क्योंकि ये फास्ट बीट है, है ना। तो अगर शुरुआत में मधुरता नहीं आए कि हम बजा भी ले रहे हैं जो भी बताया गया है, फिर भी बज नहीं रहा है, कीर्तन के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। प्रैक्टिस, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, ओके। तो प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से जो है आप ज़रूर मधुर मृदंग बजा पाएंगे। और श्री बलराम श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि मैं भगवान की हरिनाम संकीर्तन में मृदंग के द्वारा सेवा कर सकूं। तो वो जब आशीर्वाद देंगे तो ज़रूर मृदंग मधुर बजेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मृदंग की वीडियोस पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही मृदंग की वीडियोस देखते रहिए, और जो भी मृदंग सीखना चाहता है उसको शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और हमारे इस चैनल पे चैतन्य शिक्षा अष्टकम और श्रीमद् भागवतम के कई सारे लेक्चर्स हरिमोहन दास प्रभु जी के द्वारा उपलब्ध हैं, उनको सुनिए, जीवन में उतारिए और अपना जीवन सफल बनाइए। और हरि नाम कीर्तन संकीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।